तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कई महीनों से रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा वक्त है नहीं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को ज्वाइन करें। मैं मॉर्निंग में भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और शाम को तो मैं अपलोड ही करता हूँ, तो आप मॉर्निंग भी वाली क्लासेस अटेंड करिए, जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके। और ट्रिपल सी ये आपकी अपनी वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, यहाँ पर भी ट्रिपल सी के टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने के मिलेंगे इस वेबसाइट पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट का चेक जरूर करिएगा, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है, अगर इसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की टेस्ट पे आते हैं, आज की इस वीडियो पे। तो आज की टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है और आपके ये कॉमन सा क्वेश्चन है। तो नंबर एक है लेडी एडा अगस्टा, बी नंबर टिम बर्नर्स ली, सी नंबर चार्ल्स बेबेज, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जिन स्टूडेंट का इसका राइट आंसर मालूम है प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेडी अगस्टा, ठीक है, लेडी एडा अगस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो नंबर एक है गुजरात, बी नंबर है लखनऊ, सी नंबर चेन्नई, डी नंबर बैंगलोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, बैंगलोर। बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो नंबर एक है कीबोर्ड, बी नंबर है माउस, सी नंबर हार्ड डिस्क, डी नंबर पेन ड्राइव। तो कीबोर्ड तो आप यूएसबी में जोड़ सकते हैं, कन्फर्म है, माउस भी जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव भी जोड़ सकते हैं जो कि पीडी बोलते हैं, ठीक है, तो हार्ड डिस्क नहीं जोड़ सकते, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आप जब कर्सर इधर घुमाते हैं ना, या एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो वो एक होता है ना ब्लिंक कराया करता है कर्सर आपका, जहां पर आप क्लिक करते हैं वहां पर ब्लिंक किया करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। एक नंबर पॉइंटर, बी नंबर पॉइंट, सी नंबर कर्सर, डी नंबर है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्सर, उसे कर्सर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है। नंबर एक है कॉपी, बी नंबर है कट, सी नंबर है पेस्ट, डी नंबर रिमूव। तो कंट्रोल एक्स से होता है क्या, कट, ठीक है, किसी भी डेटा को आप एक स्थान से कट कर सकते हैं, ठीक है, तो जब आप जहां से भी डेटा कट करेंगे वहां पर वो डेटा हट जाएगा, फिर आप जहां पेस्ट करेंगे वहां पर आएगा, ठीक है, कट में ऐसा होता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है, उसकी छाया प्रति जाती है, यानी जहाँ से आप कॉपी करेंगे वहाँ भी डेटा रहेगा, और जहाँ जहाँ ले जाएंगे कॉपी करके वहाँ पर भी आपका डाटा हो जाएगा, यानी दो जगह हो जाएगा, पर कट में एक ही जगह होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP का पूर्ण रूप क्या होता है। नंबर एक डेस्कटॉप टाइमिंग प्रोटोकॉल, बी नंबर डेस्कटॉप ट्रेनिंग पावर, सी नंबर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और डी नंबर नन। तो DTP का फुल नेम क्या होता है आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो इस वीडियो में आपको कन्फर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, आपको ध्यान देना है। आप सोच रहे होंगे तीन वर्ड तीन का है ये, तो हो सकता है डेस्कटॉप टाइमिंग प्रोटोकॉल हो क्योंकि ये तीन वर्ड में लिखा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो फुल नेम होता है वो कैसे भी हो सकता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP एक कोर्स भी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्रचलित सोशल मीडिया साइट कौन है। नंबर एक फेसबुक, बी नंबर MySpace, सी नंबर फ्रेंड स्टार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आई होप आप सभी को मालूम ही होगा कि फेसबुक सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। ए नंबर हर्ट्ज, बी नंबर किलोमीटर, सी नंबर वोल्ट, डी नंबर BPM। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज में उसकी गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है। ए नंबर सिस्टम यूनिट,
और बी नंबर हार्डवेयर, सी नंबर सॉफ्टवेयर, डी नंबर आउटपुट डिवाइस। तो जिसमें सारे बहुत सारे भाग होते हैं, सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है वो, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाएं तो थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पलट क्या होता है या मुख्य बोर्ड क्या होता है? तो नंबर एक है कीबोर्ड, बी नंबर सुपर बोर्ड, सी नंबर मदर बोर्ड, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मदर बोर्ड। अब पलट का मतलब होता है बोर्ड, ठीक है। अब बोर्ड बी ओ आर डी, ठीक है। तो अब पलट, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज जाते हैं ना कि पलट क्या चीज़ होती है। तो पलट एक प्रकार का बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है, उसे बोलते हैं मदर बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसपी का पूर्ण रूप एक्टिव सर्वर पेज होता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एएसपी का पूर्ण रूप होता है एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने वर्कशीट को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कॉपी या मूव नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप बेसिक बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद कई बार बताया अगर आपने वीडियोस देखी हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फाल्स होगा ट्रू होगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप एग्री हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना से ज़्यादा क्षमता रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फाल्स, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें स्टोरेज क्षमता बहुत होती है, ठीक है। आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, ठीक है, एसएसडी सभी हो गया आपके सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। तो भैया माउस जो होता है एक इनपुट डिवाइस तो ही होता है, उसके साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। सभी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस भी, ठीक है। राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंट्रोल प्लस एफ सर्च के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होती है उसका प्रयोग सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वर्ड हम सर्च करना चाह रहे हैं कि या कहाँ पर होगा या कितनी बार होगा, तो आप कंट्रोल एफ से सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, बी नंबर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूँ जिससे आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इसलिए इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन रखे हैं, शाम वाली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो शाम वाली वीडियो भी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देता हूँ 100%। तो दोस्तों, और हाँ, लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने स्पेशल क्लासेस बना दी हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सारी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।